बदायूं में असलाधारी पांच बदमाशों ने डॉक्टर दंपति को तमंचा की नोक पर बंधक बना लिया और उनके हाथ टेप से बांध दिए, जिसके बाद अलमारी से 40,000 रुपए की नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह और एसपी सिटी अमित किशोरी श्रीवास्तव ने मौका मुआयना किया। साथ ही पुलिस और एसओजी को जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने का निर्देश दिया है। दरअसल कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला जोगीपुरा में लाबेला चौक और 6 सड़का के बीच डॉक्टर एसएन गोविल अपने आवास पर क्लिनिक चलाते हैं। बुधवार की शाम 6 बजे क्लिनिक बंद करने के बाद वह शाम 6 बजे अपने क्लिनिक के बरामदे में बैठे थे, तभी अचानक 5 लोग क्लिनिक पर आए और अपने मरीज को दिखाने की बात कही, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि क्लिनिक बंद हो चुका है और कंपाउंडर भी जा चुके हैं, इसलिए गुरुवार को आना। इस दौरान एक बदमाश ने डॉक्टर के ऊपर तमंचा तान दिया और खींचकर ड्राइंग रूम में ले जाकर गिरा दिया। शोर सुनकर रसोई में चाय बना रही डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर मृदुला गोविल आ गई। बदमाशों ने उन्हें भी तमंचे की नोक पर ले लिया और डॉक्टर दंपति के साथ मारपीट करते हुए उनके हाथ टेप से बांध दिए। साथ ही शोर करने पर गोली मार देने की धमकी दी, जिसके बाद बदमाशों ने अलमारी से 40,000 रुपए और सोने चांदी के आभूषण निकाल लिए। इसी दौरान डॉक्टर मृदुला गोविल के फोन की घंटी बजी और किसी ने दरवाजा खटखटाया, जिस पर बदमाश डॉक्टर दंपति को कमरे में छोड़कर दूसरे रास्ते से भाग गए। वहीं दंपति के शोर मचाने पर पहुंचे पड़ोसी ने उनके हाथ से टेप खोला, साथ ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली सदर के क्राइम इंस्पेक्टर और सिविल लाइन के प्राइम प्रभारी निरीक्षक गौरव बिश्नोई मौके पर पहुंचे और आला अधिकारियों की घटना की सूचना दी। कुछ ही समय के बाद एसएसपी और एसपी सिटी भी घटनास्थल पर आ गए, जहां उन्होंने पीड़ित दंपति से मामले की जानकारी की। एसएसपी ने एसओजी और पुलिस को जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया। वहीं एसपी सिटी अमित किशोर श्रीवास्तव ने जल्दी घटना का खुलासा करने की बात कही है। थाना कोतवाली के अंतर्गत लाबेला चौक और 6 सड़का के बीच जोगीपुरा के पास डॉक्टर गोविल का आवास है। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते हैं और आज शाम को कुछ बदमाश इनके यहाँ मकान में आ गए और डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी को किनारे करके और घर से कुछ सामान उन्होंने लूटपाट कर लिया है। इस संबंध में तत्काल पुलिस मौके पर आ गई है और प्रथम दृष्टिया हर पहलू की जांच की जा रही है। डॉक्टर साहब से तहरीर प्राप्त करके एक मुकदमा लिखा जा रहा है तथा अग्रिम कार्रवाई तत्काल प्रारंभ कर दी गई है।